आपने भी कई बार पिंकी प्रोमिस किया होगा, जहां पिंकी प्रोमिस का मतलब निकालते हैं पक्का वादा, यानी ऐसा प्रोमिस जिसे हर हाल में पूरा किया जाएगा। लेकिन क्या आपको पता है पिंकी प्रोमिस का सही मतलब क्या होता है और यह परंपरा कहां से और कब से शुरू हुई? गजब की जानकारी देंगे, इसलिए आप हमारे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें। सन 1600 से लेकर 1800 तक जापान में पिंकी प्रोमिस काफी फेमस हुआ और फिर वहाँ से पूरी दुनिया में। जापान में हाथ की सबसे छोटी उंगली को पिंकी फिंगर कहा जाता है और जापान में पिंकी प्रोमिस का मतलब होता था कि यदि वह अपना वादा नहीं निभा पाता है तो अपनी छोटी उंगली कटवा लेगा। इसलिए पिंकी प्रोमिस के समय प्रोमिस करने वाले दोनों व्यक्ति अपनी छोटी उंगलियों को एक दूसरे से क्रॉस करते हैं और समय के साथ साथ पिंकी प्रोमिस पूरी दुनिया में फेमस हो गया। दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर लिखिएगा।